अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन 2023 अपने एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म व्यू ट्यूशन से कंटिन्यू क्यों होंगे और आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद केमिस्ट्री एंड ऑल सब्जेक्ट जो है वो व्यू ट्यूशन प्लेटफॉर्म से समझ आ रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट, आज जो केमिस्ट्री की क्लास जो कि सिन बोर्ड HSC 2 है और इसके अंदर जो है वो हम आज के लेक्चर के अंदर एल्यूमिनियम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपको जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री से रिलेटेड और एनी अदर रिलेटेड, तो जो है वो आप वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वी ट्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, जहाँ ट्यूटर जो है वो आपकी क्यूरीज को सोल्व करें। तो डियर स्टूडेंट जो है वो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये है एल्यूमिनियम Al, जो कि आपके पास सिंबल होता है एल्यूमिनियम Al, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम एलिमेंट है, एटम है, किस ग्रुप में लाए करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट एवरी एलिमेंट की 2 टाइप्स की होती हैं, नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम को डिटेल से स्टडी करेंगे और एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट आता है राइट डाउन नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर तो जो है वो आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम के बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। सो एल्यूमिनियम के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन आपको जो है वो शेयर की जाएगी वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है कैपिटल ए स्मॉल एल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट इज अ मेटल, एल्यूमिनियम जो है वो मेटल होती है, एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ग्रुप 3A से है, मेटल है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, थर्ड A ग्रुप से, 3A मीन जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है इससे जो है वो ये प्रेजेंट होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम जेड इक्वल टू 13, इसका जो एटॉमिक नंबर है डियर स्टूडेंट ये 13 होता है, 13 मीन आपके पास जो है वो प्रोटॉन इक्वल टू 13 और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 13 इन अ न्यूट्रल एल्यूमिनियम। डियर स्टूडेंट, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज अकॉर्डिंग टू शेल सब शेल और ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक इसका फर्स्ट शेल क्या शेल, नेक्स्ट टू इज एल शेल, एल शेल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड देन थर्ड शेल एम इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। ये क्या शेल है? ये आपके पास जो है वो एल शेल है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो क्या शेल कंप्लीटली फिल्ड, एल शेल कंप्लीटली फिल्ड बट एम इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। एम शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, एम शेल का एस सब शेल फिल्ड अप है, पी जो है वो नॉट फिल्ड अप, पी भी फिल्ड अप नहीं। सो डियर स्टूडेंट, इसके जो वैलेंस शेल जो कि थर्ड शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 + 1 3। सो डियर स्टूडेंट इट विल बिलोंग टू ग्रुप 3A। डियर स्टूडेंट, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में हो उसके वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो पहले से क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट इसलिए जो है वो ये 3A ग्रुप के अंदर लाइक करता है एंड स्टूडेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब शेल, सो एल्यूमिनियम बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट। डियर स्टूडेंट, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम? द फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डेड प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताते चलूं फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसको है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो कि फिजिकली हो, मिसाल के तौर पर आपके सामने जो है वो किसी भी चीज का फिजिकली अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इसका मैस क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। अगर रिएक्शन आप स्टडी करेंगे तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। फिजिकल मीन जो अपीयरेंस होती है इसकी। तो फर्स्ट फिजिकल मीन इट इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल है, ये मेटल है बट कलर डियर स्टूडेंट ब्लूइश व्हाइट है इसका, विद ब्रिलियंट सिल्वरी लस्टर, और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा सिल्वरी लस्टर चमक देती है, विच इज सून डिस्ट्रॉयड बाय द लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। बट डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बिकॉज मेटल है एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इज ए लॉस इलेक्ट्रॉन एंड डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम
डिस्ट्रॉय कर देती है अपनी इस ब्रिलियंट शाइनी प्रॉपर्टी को, बिकॉज क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, मेटल हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाती है, MO2, M2O इस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं, और जो है वो एल्युमिनियम भी L2O3 ऑक्साइड फॉर्मेशन करती है अगर ये एयर के साथ जो है वो रिएक्शन करती है। डियर स्टूडेंट, इट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, और ये जो है वो हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो है वो वायर में कन्वर्ट हो सकती है। और डियर स्टूडेंट, इसीलिए इसकी जो है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एल्युमिनियम की। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द हाउस होल्ड यूटेंसिल। डियर स्टूडेंट, इसको यूज करते हैं हम जो है वो घरों के जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं इसके अंदर, बिकॉज क्योंकि इसकी रीजन क्या है यूटेंसिल में इस्तेमाल करने की। तो डियर स्टूडेंट, रीजन आपको मैं बताता चलूं कि रीजन यूटेंसिल में यूज करने की इसकी ये है कि एक तो ये कोरियन रेजिस्टिव है और चीपर है, और जो है वो इस वजह से लो कॉस्ट की वजह से, और जो है वो, और दूसरा ये है कि इसका जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होने की वजह से इसको, और चीपर होने की वजह से यूटेंसिल में यूज किया। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट इट इज रेजिस्टेंस टू कोरियन, तो मेटल है ड्यूस टू एल्यूमिनियम, इसीलिए यूज किया जाता है इसकी। आप जो है वो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं आप जो है वो, ताकि ये रेजिस्टेंस कोरियन होती है, रेजिस्टेंस होती है, इसको जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट्स डेंसिटी इज अबाउट 2.7 ग्राम पर मिली लीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है M/V। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका जो डेंसिटी है वो 2.7 है, जैसे कि आपको बताया ये लाइटर होती है तो ये ग्राम, और डियर स्टूडेंट ये मिलीग्राम पर मिलीलीटर के अंदर जो है वो ये इसकी डेंसिटी होती है। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट मेल्ट्स एट 658 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट 658 है, बिकॉज सॉलिड है, मेल्ट होगी फर्स्ट, एंड हाई मेल्टिंग 658 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड देन बॉयल एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बॉयल हो जाती है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है एंड मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, के मेटल जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, सो ये गुड कंडक्टर हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स। डियर स्टूडेंट, एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की वजह से और ड्यू टू डक्टाइल मैलिएबल फॉर्म की वजह से इसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन वायर में यूज होती है जिनसे करंट जो है वो पास किया जा सकता है। और डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एल्यूमिनियम फॉइल, अगर इसकी आप फॉइल बनाते हैं तो इसको यूज करते हैं रैपिंग चॉकलेट्स वगैरह, ताकि जो है वो मेडिसिन वगैरह के लिए, सिगरेट्स वगैरह के लिए, और फोटोग्राफिक